नाम क्या आपका? सुशीला देवी। मैं जानना चाह रहा हूँ आज विधायक संजय सिंह के कार्यालय पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मामला क्या है पूरा? मामला जी केस के बारे में आए हैं सर, लड़के को मार दिया है अरुण कुमार को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिमरिया अनूप के। क्या हुआ आपके लड़के के साथ में? प्रेम पत्र चल रहा था, लड़की ने फोन करके बुलाया मेरे बेटे को और लड़की वालों ने मार दिया वहाँ पर, और मार के अपने गांव के पास में ही सहसूत के पेड़ पे मार के टांग दिया। कब की घटना है ये? 24 तारीख की। 24 तारीख की घटना है। तो पुलिस को आपने शिकायत करी होगी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? हमको शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं मिला, हमसे पहले पुलिस पहुँच गई वहाँ और हम वहाँ पे ना आए थे, हमारे बिना राय से ही बॉडी उठा ले गए ICU अपनी गाड़ी पे खुद। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है इसमें? बाद में करी, लेकिन जो हमने नाम दर्ज रिपोर्ट दी उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है सर, आत्महत्या लिख दे रही है। मैं चाह रहा हूँ रिपोर्ट हत्या में दर्ज हुई है या आत्महत्या में? आत्महत्या में। और आपके हिसाब से हुई हत्या? हाँ, हमारे हिसाब से नहीं, आसपास गांव के भी हिसाब से आत्महत्या नहीं है, ये हत्या करी हुई है। तो अब विधायक जी से आप लोग मिले हैं, क्या उन्होंने कहा है आपसे? उन्होंने यही कहा है कि आपको इंसाफ दिलाएंगे। SP साहब के पास में गए थे आपके साथ में कुछ लोग विधायक जी के साथ में, तो क्या बात हुई वहाँ पे? उन्होंने ये कहा है कि 48 घंटे का टाइम दिया उस दरोगा को कि बुला के उसको बंद करो। आप चाहते हैं जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो वो? हाँ, यही चाहते हैं और इसीलिए हम बार बार आ रहे हैं। विधायक जी, जानना चाह रहा हूँ आज आपके कार्यालय के बाहर काफ़ी संख्या में लोग थे, उनकी आपसे ये मांग थी कि उनके बेटे की हत्या हुई लेकिन आत्महत्या में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तो इस मामले में आप कप्तान साहब से भी मिले हैं, तो क्या हुआ? पहले तो मैं आपको बताऊं, वो जन सहयोग कार्यालय जनता का कार्यालय, तो वहाँ तो जनता आएगी आएगी, और ये जितने क्षेत्र के मेरे लोग हैं ये सब मेरे परिवार के अपने लोग हैं। 24 तारीख को एक घटना हुई थी और उस समय उसकी FIR दर्ज हुई, उसका जो पीड़ित परिवार था उनका, उस जो घटना हुई उसके बाद उसका पंचनामा भरा गया, PM हुआ और उसमें हैंगिंग में उसकी FIR दर्ज हुई। ये मामला कहाँ का था? ये हमारे सिमरिया अनूप का। उसके बाद हम लोग कप्तान साहब से आज मिले सब लोग, लोगों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है, तो कप्तान साहब ने हमारे बहुत, मैं समझता हूँ कि सच को सामने बहुत जल्दी ले आते हैं, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 48 घंटे में इस घटना का जो भी सच है वो सामने आए, अगर हत्या हुई है तो जो आत्महत्या का मामला है वो हत्या में तरमीम किया जाएगा और उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी।